गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हारिस आसकानी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सर दोस्तों, तो आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीलॉग को भरपूर तरीके से देखें, ठीक है। ये मैं आया हूँ पोर्ट ग्रैंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं पोर्ट ग्रैंड आया हूँ आज EFU लाइव इंश्योरेंस की तरफ से डिनर और जो है ना एक खूबसूरत पार्टी है और डिनर है। मुझे इनवाइट किया इन्होंने EFU लाइव वालों ने। तो फिर थैंक यू सो मच, पहले तो EFU लाइव का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इन्वाइट किया डिनर पे भी, और उनकी मीटिंग भी है तो वो भी अटेंड करनी है मुझे। और मीटिंग के बाद फिर एक फ़ोटो शूट होगा, मतलब 5 से 6। तो उसके बाद जो है ना 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, सॉरी 4 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर 5 से 6 या 5:30-6:30 से फ़ोटो शूट होगा, मतलब आप पिक्चर वगैरह ले सकते हैं पोर्ट ग्रैंड में, लाइक पोर्ट ग्रैंड की मार्केटिंग करनी है, दैट्स इट। और उसके अलावा फिर उसके बाद 9:30 बजे डिनर है, 8:30 से 9:30 डिनर है। तो फिर आप मेरे साथ रहिएगा, आज खूब इन्जॉय करेंगे। मीटिंग की आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मीटिंग आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी आपको पता है बर्दाश्त करने ही जा रहा हूँ। नहीं मजाक करूँ, इनके साथ मेरी मीटिंग है, ठीक है। आगे जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप देख लें, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है पोर्ट ग्रैंड। ये घर से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, और जाहिर सी बात है एक और मीटिंग था, वो मीटिंग अटेंड करके दोबारा यहाँ आना पड़ा पोर्ट ग्रैंड। EFU लाइव वालों की जो है ना अपना मीटिंग था, इनके साथ मीटिंग है। अब इनके मीटिंग के साथ फिर जो है ना टी टाइम भी है, टी पार्टी भी करेंगे, उसके बाद फ़ोटो भी लेंगे, लोगों से कमेंट्स भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिनर भी करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत इन्जॉय करना है आज, बहुत मज़ा आना है, ठीक है। तो लेट्स मिलते हैं फिर। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, बड़ी मशहूर जगह है और माशाल्लाह बहुत जगह स्पॉन्सर्स भी है। तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को हर कोई जानता है क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके कारोबार वगैरह हो तो स्पॉन्सर करना चाहे वो हमारी न्यू प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। ये बहुत कुछ किस तरह मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, ये आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं वहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के महीने के नहीं सॉरी हफ्ते के वीकली 3 क्लासेस होंगे ऑनलाइन, जो मैं लीव आऊँगा और आप सबको बताऊँगा कि जो मैं यहाँ से सीखता हूँ, जो मैं लोगों से सीखता हूँ, जो मैं किताबों से सीखता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो फिर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। EFU लाइफ वालों ने बहुत बेहतरीन बातें की और अपने जो कंपनी है उनके बारे में बताया। EFU लाइफ में जो इंश्योरेंस करवाते लोग, मैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो EFU लाइफ से इंश्योरेंस करवाएं, वो बड़ा बेहतरीन पॉलिसी है इनका। और जिस तरह लोगों ने इनके जुबली लाइफ हो गया, EFU लाइफ हो गया, स्टेट लाइफ हो गया, जिस तरह लोगों ने एक गलत माइंडसेट बनाया हुआ है कि ये पैसे नहीं देते मरने के बाद या कुछ ऐसा वैसा, बहुत सारे लोग बातें करते रहते। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे जब इन्होंने इनवाइट किया तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह बता रहे थे कि ये प्रॉपर पैसे नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, मतलब आप अपने कमीशन के बेस पे और आप थाईलैंड, दुबई, लंदन, अमेरिका जा सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग यहाँ पे आए थे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना बताया कि यार हमने किस तरह जो है ना मेहनत की है और किस तरह हम इस मकाम पर आए। गाड़ी भी उनके पास है, आज पैसा भी है, सब कुछ है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि ख्वाब वो नहीं हम आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो हैं जो हमें सोने ना दें। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता रहता हूँ कि यार ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी ज़िंदगी का जो लीड करेक्टर होता है वो आपकी मेहनत होती है, ठीक है। आज मुझे देख लो, आज मेरे 119 सब्सक्राइबर्स थे, आज 3.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम में आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, फेसबुक में आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मैं आपसे क्या कहूँ कि हमेशा मैं देखता हूँ कि यार लोग डीमोटिवेट कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं,
देखो इस अगर आप ये समझते हो कि आपको ब्लैक पसंद है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ब्लैक कलर पसंद हो, या मुझे स्काई ब्लू या ब्लू पसंद है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पसंद हो। तो दोस्तों देखो ये चीज़ से बिल्कुल घबराओ मत, आपको जो करना है करो, एंजॉय योर लाइफ यार, चिल करो भाई, छोड़ो ये बोलने, इनका काम है बोलना, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों को सुन के आप चेंज हो जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप मुझसे कुछ सीखें, कि मैं बता रहा हूँ अपने मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि लोग डिमोटिवेट करते हैं, लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बताते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इंक्रीज करना है खुद को, हमें चेंज होना है, ठीक है ना। मैं हमेशा एक ही बात आपसे करता रहता हूँ, आप लोग बोलते रहे एक ही बात करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात करता है, मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है पागल है वो शख्स जो रोज़ रोज़ एक ही काम करता है और चाहता है कि नतीजा अलग हो। तो ऐसे नहीं होता यार, जॉब मैं भी करता हूँ, मैं भी यहाँ वहाँ भागता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं अपने व्लॉग भी बनाता हूँ, आप सबको टाइम भी देता हूँ। तो अगर आप सब ये बातें सुनना चाहते हैं मज़ीद, तो मैं हफ्ते में 3 बार आप वीकली इंस्टाग्राम लीव आऊँगा। तो इंस्टाग्राम आईडी मेरे पेज पे होते ही है, तो आप उसको मुझे फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करें। तो लीव में बहुत मज़ा आने वाला है, मैं आपसे मजाक वगैरह भी करूँगा और आपसे कुछ सीखूँगा भी, क्योंकि आप हमारे मेरे टीचर हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स और आपके अप्रिशिएट और आपके लाइक अनलाइक से मैं सीखता हूँ दोस्तों। तो बहुत सारी बातें कर ली मैंने, तो अब जाते हैं देखते हैं क्या बाहर क्या माहौल है, कैसे कैसे लोग हैं, क्योंकि लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता है मुझे यार पर्सनली, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। ये आपके अंदर भी है, बस सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग करें आप अपने आप पर। तो फिर मैं जाता हूँ बाहर, देखता हूँ क्या क्या तो मेरे साथ रहिए, ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। तुर्बत के मारूफ यूट्यूबर हैं, कैमरामैन है, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आज भाई, क्या हाल है ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बताएं अपने चैनल के बारे में। मेरा बेसिकली बलूची म्यूज़िक चैनल है ताहिर असल के नाम से, और आज से भी मुलाकात हुई, आप सब से गुजारिश है कि आरिफ साहब को सपोर्ट करें और आरिफ के चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। भाई इनका भी चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फॉलो करें सर को, ठीक है, बड़ा बेहतरीन चैनल है दोस्तों। तो मैंने आपको बाबा एक गिटार जो है ना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बजा रहे थे, तो वो वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा, आप देख लेना आप व्लॉग में। और अब मैं टॉप पे आ गया हूं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय करूँ, अकेला हूं, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरे पास, और खैर अब टाइम भी नहीं है गर्लफ्रेंड रखने का, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी आपको बताया कि अब भाभी आ गई ज़िंदगी में, तो बड़ी सख्त है इस मामले में, बाकी हर मामले में रहत हो जाती है, लेकिन इस मामले में कोई रहत नहीं है भाई, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी से अगर इंगेज हो जाते हो या
कोई आपका आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो आपका ये हक बनता है कि आप, अगर कोई आप पे मरता है तो कोशिश करें उसे जिंदा, कोशिश करें कि उसे ज़िंदा रखें। अच्छा तो दोस्तों डिनर कर लिया मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ ठीक है, अच्छा डिनर मैंने क्या क्या किया तो आइए देखते हैं, और डिनर में था क्या क्या और मैंने क्या खाया। डिनर कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। डिनर की वीडियो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं अकेला भी हूँ, और जाहिर सी बात है घर भी जाना है। बहुत ज़्यादा आज काम किया और एक दो घंटे तो सिर्फ पोस्टर बनाने में लगे, आसिम ने मेरे साथ हेल्प की, बहुत ज़बरदस्त काम किया आज हमने। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा आपसे, ठीक है, और फुटग्रेन बहुत बड़ा है और सब आपको दिखा भी नहीं सकता। जितना कुछ मैंने कवर किया है वो आप सबसे शेयर कर लिया मैंने, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और आज ई फ्यू लाइफ ने मुझे इनवाइट किया था डिनर में और मीटिंग में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और तो आपसे वो शेयर भी करूँगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा, मैं इंस्टाग्राम में हफ्ते में 3 दिन मैं लाइव आऊँगा इंस्टाग्राम, तो आप मुझे वहाँ फॉलो करें। आपा बानो बड़े खूबसूरत बात करता है, कहते हैं जो लोग दूसरों की बुरा नहीं चाहते ना, जो लोग दूसरों की बुरा नहीं चाहते हैं वो दुनिया में ऐसे कामयाब हो जाते हैं उनके गुमान में भी नहीं होता। मतलब जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता ना वो ऐसे कामयाब हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलता। तो फिर आज देख लो मुझे, मैं आपको जैसे अपने वीडियो में कहा कि लोग हंसते थे, मैं मुझे उर्दू नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता। खैर मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उर्दू अच्छा बोलने वाले जिन्हें अच्छे व्लॉगर होते हैं या उर्दू या इंग्लिश बोलने वाले एक अच्छे व्लॉगर होते हैं या बलोची बोलने वाले एक बलोच एक अच्छा व्लॉगर हो सकता है। व्लॉगिंग आपके प्यार आपकी मोहब्बत लोगों से मिलती है, आपका बिहेवियर आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों से। तो फिर दोस्तों बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, आप जाने की इजाज़त दूंगा। अगर रास्ते में कोई अच्छी सी शॉट मिले तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अकेला हूं, बाइक भी अकेली है, बाइक पे जाऊंगा अब घर पे, तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूं, तो वीडियो एडिट करूंगा आपसे शेयर ज़रूर करूंगा। तो अपने दोस्त तारिस को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कोई और एपिसोड में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।